सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज एक साइड आपको मिल जाती है 800 वाली वॉच जो कि बिना एप्पल लोगों की है, और दूसरी साइड मिल जाती है 1200 वाली वॉच जो एप्पल लोगों के साथ है। तो देखते हैं कौन सी वॉच एक दूसरे से बेस्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, आप मेरे फ्रंट में देख सकते हो हमारे पास दो तरह की वॉचेस देखने को मिल जाती है। एक है i7 Pro Max और दूसरी तरफ है सीरीज 7 जो कि एप्पल सीरीज 7 की क्लोन वॉच है। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं इन दोनों के बीच ही एक धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में ये सीरीज 7 की वॉच आपको देखने को मिल जाती है विद एप्पल लोगो, जो कि आपको मेरे फ्रंट में दिख ही रहा होगा। एंड नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं अपनी i7 Pro Max की, जिसका बॉक्स आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसको हम कर लेते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं वॉच के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो इसके पीछे लिखे हुए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं इसके साथ आपको मिल जाता है एक मैनुअल और साथ साथ दो स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। साथ ही आपको मिल जाती है एक छोटी सी डाटा केबल और आपको मिलती है वॉच का ये फ्रंट लुक, जिसको देखकर आपको लाइक बटन तो दबाना ही पड़ेगा, और अगर आपने नहीं दबाया है तो जाके दबा दो। तो गाइज, आप देख सकते हो कितनी अच्छी शानदार और बेस्ट वॉच लग रही है दिखने में, लेकिन तब तक बढ़िया नहीं है जब तक अपन इसका कंपैरिजन नहीं कर लेते। सो सीरीज 7 के अंदर भी आपको डाटा केबल देखने को मिल जाती है, एंड डाटा केबल जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो आपके लिए बेनिफिशियरी है। एंड अगर हम बात करें इसके साथ मिलने वाली रद्दी की, तो बिल्कुल मत पढ़ना भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों वॉचेस की, तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरिजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग। सो आप मेरे फ्रेंड में दोनों वॉचेस को देख सकते हो, एंड देखने में तो मेरे को 1200 वाली यानी कि एप्पल क्लोन वॉच का पगड़ा भारी लग रहा है, लेकिन तब तक इसको बेस्ट नहीं बोल सकते जब तक इसका कंपैरिजन ना कर ले। सो गाइज, फर्स्ट कंपैरिजन तो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ऑन एंड ऑफ टेस्ट पे, कि कौन सी वॉच सबसे पहले ऑन होती है। तो आपके सामने दोनों वॉचेस आ चुकी हैं, और सबसे पहले जो ऑन हुई है वो है i7 Pro Max। तो इसमें i7 Pro Max विन करती है एज़ कंपैरिजन टू एप्पल क्लोन वॉच सीरीज 7 से। अब बात कर लेते हैं वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर में तो गाइज i7 Pro Max थोड़ी नीचे गिरते हुए दिख रही है, बिकॉज इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ओनली 9 वॉलपेपर्स। एंड अगर हम बात कर लें सीरीज 7 की, तो इसमें हमको मिल जाते हैं 30+ वॉलपेपर्स। वाओ, 30+ वॉलपेपर्स गाइस कम नहीं होते, आप फ्रंट में देख सकते हो, बस आप इसका स्क्रॉल बटन घुमाते रह जाओगे और वॉलपेपर्स की तो भरमारी लग जाती है। और अगर हम इसकी बात करें दोनों वॉचेस के अंदर, तो गाइस दोनों वॉचेस का जो डिस्प्ले है वो लगभग सेम ही है, बट अगर हम बात करें बड़े रिसोल्यूशन की, तो बड़ा रिसोल्यूशन आपको दिखने मिल जाता है, वो मिल जाता है आपको i7 Pro Max में। एंड अगर टच रेजोल्यूशन की बात कर लें, तो सबसे बढ़िया वॉच मेरे को दोनों में से अगर टच रेजोल्यूशन में लगती है, तो वो मेरे को i7 Pro Max नहीं लगती, बिकॉज इसमें थोड़ा लैग इशू होता है एज़ कंपैरिजन टू सीरीज 7। तो गाइज, आप मेरे फ्रेंड में देख सकते हो मैंने दोनों के ही टच रेजोल्यूशन आपको करके दिखा दिए हैं, एंड थोड़ा बहुत मतलब 5-10% जो लैग इशू है वो होता है आपकी i7 Pro Max में। अगर हम बात कर ले चार्जिंग केबल की, तो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो अपनी i7 Pro Max का है, इसका जो चार्जर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मिल जाता है, यानी कि इसकी जो केबल है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, एंड जो इसके साथ मैग्नेटिक चार्जर आपको देखने को मिल जाता है वो अच्छे से अटैच भी नहीं होता है इसके साथ। और अगर हम बात करें सीरीज 7 की, तो इसका तो भाई जो चार्जर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और जो अच्छा ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है कि अच्छे से अटैच हो जाती है और ईजिली चार्ज हो जाती है। बट अगर हम चार्जिंग की बात करें, तो i7 Pro Max जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती है एज़ कम्पेयर टू सीरीज 7 की क्लोन वॉच के सामने। सो गाइज, अगर आपको इसके साथ छोटी लेंथ की डाटा केबल मिलती है, तो आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आप इसको क्लोज में रह के चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग में ज़्यादा इशू नहीं आता, बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सीरीज 7 की क्लोन वॉच के सामने।
एंड अगर हम बात कर लें बैटरी बैकअप की, तो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सीरीज 7 से, बिकॉज मैंने ये दोनों ही वॉच पर्सनली ट्राई कर रखी है डेली बेसिस यूज़ पे और मेरे को दोनों ही बढ़िया लगे। अगर लुक की बात करें तो लुक के अंदर सबसे बढ़िया वॉच तो अपनी सीरीज 7 मिली जाती है, और अगर हम बात कर लें फीचर्स पे, तो फीचर्स के लिए आपकी जो सबसे बेस्ट वॉच होने वाली है वो आपकी सीरीज 7 की होने वाली है। एंड अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर यार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना और लाइक तो डेफिनेटली आपको कर ही देना है। सो गाइज, आप इस वॉच के अंदर ईजिली व्हाट्सअप फेसबुक चला सकते हैं और आप इसके अंदर टाइम पास के लिए छोटी मोटी गेम्स भी खेल सकते हैं। और अगर हम बात कर ले i7 Pro Max की, तो उसके अंदर आप व्हाट्सअप फेसबुक तो चला सकते हैं लेकिन आप गेम्स नहीं खेल सकते। एंड फाइनली बात कर लें फीचर्स की, तो आप मेरे सामने देख सकते हो i7 Pro Max, जिसका मैं क्राउन बटन काफ़ी देर से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। और अब हम उठाने वाले हैं अपनी सीरीज 7 को और आप इसका जलवा देख ही सकते हो कि इसके अंदर जो हमने आपको मैनो स्टाइल दिखा रखा है वो काफ़ी सारा देखने में बढ़िया भी लगता है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं सेम स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करके, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ज़्यादा जूम होने के बाद ओपन हो जाती है, जो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप सीरीज 7 परचेज करते हैं तो डुअल मोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। We'll be right back.